पंजाब ने मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट की निजकारी का फैसला कर लिया है। बिल पीर के रोज़ पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। हुकूमत ने बिल मंजूर कराने की खुफिया अंदाज में तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल कई माह कबल असम्बली में मुतारफ़ करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की हड़तालों की वजह से मंजूर नहीं हो सका था। बात करेंगे गौहर अली, हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, बताएगा खुफिया क्यों रखा जा रहा है इस बिल को? जी, हुकूमत पंजाब ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों के निजकारी के मुतालिक बिल पीर को पंजाब असम्बली के इजलास में मंजूर कराने का फैसला किया है। इससे कबल यंग डॉक्टर की हड़ताल और सानप के इसी की वजह से इस बिल की मंजूरी मौखर कर दी गई थी। इन सरकारी अस्पतालों के निजकारी के मुतालिक ऑर्डिनेंस भी जारी हो चुका है, जबकि एक बिल पंजाब असम्बली में कई माह पहले मुतारिफ कराया गया था, जिसे स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बावजूद यंग डॉक्टर की हड़ताल की वजह से ये बिल एजेंडे पर मंजूरी के लिए नहीं लाया जा रहा था। अब जैसे ही यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला सरदखाने का नजर हुआ है और PA's का साना दब गया है, उसके बाद हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि 9 मार्च यानी पीर को होने वाले इजलास के मौके पर यह बिल पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। अब देखना यह है कि इस मौके पर यंग डॉक्टर्स का क्या रद्दअमल होता है और मुस्लिम लीग नून भी क्या हिकमत अमली अपनाती है। ज़राए का कहना है कि यह एक बिल माजी में मुतनाज़ा शिकल अख्तियार कर गया था, जिसकी वजह से इसे ज़ेर इल्तवा रखा था, लेकिन अब हालात साजगार हुए हैं, जिस वजह से पंजाब असम्बली के इजलास में इसे मंजूर कराने का फैसला किया गया है। ये बिल पीर के रोज़ यानी 9 मार्च को पंजाब असम्बली के इजलास में मंजूर कराया जाएगा और ये सब एजेंडे के सबसे ऊपर रखा जाएगा। बाकी जो बिल मंजूर कराए जाएंगे उनको एजेंडे में नीचे रखा जाएगा। ज़राए का कहना है कि इस बिल की मंजूरी के लिए हुकूमती अरकान को भी खास तौर पर हिदायत जारी की गई है कि वो कोरम पूरा करें और ताकि इस बिल को मंजूर कराया जा सके। जी